वह तेंदुआ कमजोर हुए दरवाजे पर बार बार जोर जोर से पंजे मारता रहा और गुर्राता रहा, और वो सभी यात्री भय से चीखते रहे, चिल्लाते रहे। मुझसे बातचीत में वह पंडित आदमखोर को प्रेतात्मा ही कहता था। वर्ष 1921 की गर्मियों के सबसे गर्म दिनों की बात है, जब मैं पंडित से मिला उससे करीब 4 वर्ष पहले। उस गर्मियों की एक शाम मद्रास के 10 यात्रियों का एक दल थका हारा गुलाब राय की चट्टी पर पहुंचा, और ये यात्री वहीं छप्पर में रात गुजारने की मंशा से रुक गए। पंडित को डर था कि अगर गुलाब राय की चट्टी में कोई और व्यक्ति मारा गया तो उसके छप्पर की बदनामी होगी, इसलिए उसने उन यात्रियों को अपने मकान में टिकने की अनुमति दे दी। यह मकान उस आम के पेड़ से 50 गज ऊपर की ओर था, जिसका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। पंडित और उसके 10 अतिथि जब रात का भोजन कर चुके थे, एक कमरे में अंदर से सांकल चढ़ाकर लेट गए। इस कमरे में हवा आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी और घुटन के डर से रात को पंडित ने दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में आकर सीढ़ियों के दोनों तरफ के खंभों पर हाथ फैला दिए और भीतर की उमस से निजात पाने के लिए जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले में जकड़न हो रही है। उसने दोनों हाथ खंभों पर रखे और अपने दोनों पैर से हमलावर के पेट पे अड़ा दिए और लात से जोर से झटका दिया। उस झटके से तेंदुए के जबड़े से उसका गला छूट गया और वह तेंदुआ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। संभलते ही वह तेंदुआ नीचे से ऊपर कूदा और पंडित के बाएं हाथ में पंजा गड़ा दिया। पंडित का सारा जोर खंभे पर था और उस तेंदुए का वजन पंडित के बाएं हाथ पर। तेंदुए का पंजा इस कदर गड़ा था कि पंडित का हाथ चीर कर ही वह अलग हुआ। इससे पहले कि तेंदुआ फिर हमला करने को उछलता, यात्रियों ने उस पंडित की आवाज सुन ली थी, जो उसे अंदर कमरे में खींच लाए और दरवाजा बंद करके सांकल चढ़ा दी। रात भर पंडित सांस लेने की कोशिश में हांफता रहा और उसके हाथ और गले से खून बहता रहा, जबकि वह तेंदुआ कमजोर हुए दरवाजे पर बार बार जोर जोर से पंजे मारता रहा और गुर्राता रहा, और वो सभी यात्री भय से चीखते रहे, चिल्लाते रहे। सूर्योदय होने पर यात्री पंडित को, जब बेहोश हो चुका था, रुद्रप्रयाग के कली कमली अस्पताल ले गए, जहां 3 महीने तक उसे गले में चांदी की नली डालकर भोजन कराया जाता रहा। मुझसे बातचीत में वह पंडित आदमखोर को प्रेतात्मा ही कहता था। वह रात और उसके बाद 3 रातें मैंने वहां पर गुजारी उस आदमखोर तेंदुए के इंतजार में। चौथे दिन पौड़ी से इबटसन आ गया। इबटसन जब भी आता तो मुझ में नई जान डाल देता था। दोपहर के भोजन के समय मैंने इबटसन को उस तेंदुए की आदत के बारे में बता दिया कि वह औसतन 5 दिन में अवश्य एक बार रुद्रप्रयाग से गुलाब राय की चट्टी तक सड़क से होके गुजरता है, और इबटसन से कह दिया कि अगर मैं इन आने वाले 10 दिनों के अंदर उस तेंदुए को न मार पाया तो मैं नैनीताल वापस चला जाऊंगा, और उसे आग्रह किया कि यह कार्य किसी नए व्यक्ति को दे दे जो मेरा स्थान ले ले। उस शाम को इबटसन गुलाब राय की चट्टी तक मेरे साथ आया और आम के पेड़ पर मचान बनाने में मेरी मदद की। यह आम का वही पेड़ था जो यात्री छप्पर से 100 गज ऊपर पंडित के घर से 50 गज नीचे था। इस पेड़ के एकदम नीचे सड़क के बीच में हमने खूंटा गाड़ा और एक बकरा उस खूंटे से बांध दिया। बकरे की गर्दन में छोटी घंटिया बांधी थी। चांद लगभग पूरा था, फिर भी गुलाब राय के पूर्व में ऊंचे पहाड़ों के कारण गहरी गंगा घाटी में वह कुछ घंटों तक ही दिखाई देता था। अगर वह तेंदुआ अंधेरे में आया तो बकरे की घंटियों की आवाज से मैं उस तेंदुए के आने का अनुमान लगा सकता था। उस रात को पहाड़ी पर एक बार काकड़ की आवाज आई, लेकिन उसके बाद वह रात शांत रही। दूसरे दिन सूरज उगने पर मेरे 2 आदमी पहुंचे और मैं तेंदुए के पंजों के निशानों को ढूंढता हुआ रुद्रप्रयाग के बंगले की तरफ चल दिया। मेरे आदमी मेरा कंबल और राइफल लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अगले 9 दिनों में मेरा कार्यक्रम यही रहा। मैंने 10 रातों में उसने 2 बार मकानों के दरवाजे तोड़े, एक बार तो एक बकरा भी उठा ले गया और दूसरी बार एक भेड़। इन 10 रातों में उस तेंदुए ने एक घर का दरवाजा तोड़ा था, लेकिन उस घर के लोग सौभाग्यशाली थे कि घर में 2 कमरे थे और अंदर के कमरे का दरवाजा उस तेंदुए के आक्रमण के आगे टिका रहा। आम के पेड़ पर 10वीं रात के बाद इबटसन और मैंने भविष्य की योजना पर विचार विमर्श किया। रुद्रप्रयाग में अब ज्यादा समय न इबटसन बिता सकता था और न ही मैं इसलिए नहीं रुक सकता था क्योंकि मुझे अफ्रीका में जाना था। मुझे वहाँ जाने में पहले ही 3 महीनों का विलंब हो चुका था। हम दोनों ही गढ़वाल को इस आदमखोर की दया पर भी नहीं छोड़ना चाहते थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अंत में हमने निर्णय लिया कि एक रात के लिए सब कुछ भूल जाएं और अगली सुबह अगली योजना की तैयारी करें।
इस निर्णय पर पहुंचने के बाद मैंने इबटसन से कहा कि मैं गढ़वाल में अपनी आखिरी रात आम के पेड़ पर गुजारूंगा। उसके जाने के बाद पंडित दूध की बाल्टी लिए यात्री छप्पर से जाते हुए मेरे पेड़ के नीचे से गुजरा। उसने मुझे बताया कि दिन में 150 यात्री आए हैं और रात उसी छप्पर में गुजारना चाहते हैं। मेरे पेड़ से करीब 100 गज की दूरी पर सड़क से सटा हुआ एक खेत था जिसमें कटीली झाड़ियों का एक बाड़ा था। उसमें एक भोटिया अपनी बकरियों के साथ शाम होने से कुछ पहले ही आ टिका था। इस भोटिया के साथ दो कुत्ते भी थे। उस दिन पहली पूर्णमासी थी और अब रात के करीब 9 बज चुके थे, लेकिन घाटी में अभी भी अंधेरा था। मैंने देखा यात्री छप्पर से एक आदमी लालटेन लिए सड़क के पार गया और कुछ ही मिनट बाद वापस छप्पर में आकर उसने लालटेन बुझा दी। तभी भोटिया कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों ने निश्चित रूप से उस तेंदुए को देख लिया था जो शायद लालटेन वाले आदमी को देखने के बाद नीचे सड़क पर उतरकर छप्पर की तरफ जाना चाहता था। शुरुआत में तो कुत्ते सड़क की दिशा में भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मेरी दिशा में भौंकना शुरू कर दिया। इससे साफ था कि वह तेंदुआ सोते हुए बकरे की तरफ बढ़ रहा था और वह जरूर लेटता हुआ चल रहा होगा, जिससे वह कुत्तों की नजर में नहीं आ रहा था। कुत्तों ने तेंदुए की अगली कार्रवाई का जायजा लेने के लिए भौंकना बंद कर दिया था। मुझे मालूम हो गया था कि वह तेंदुआ पहुंच चुका है और यह भी कि वह बकरे पर झपटने के लिए आड़ के रूप में मेरे पेड़ का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे एक बात परेशान कर रही थी कि क्या वह तेंदुआ बकरे को छोड़कर किसी यात्री को मारने के लिए छप्पर में जाएगा या बकरे को मारकर मुझे गोली दागने का मौका देगा। बकरे और मेरे मचान के बीच की दूरी लगभग 20 फुट थी, लेकिन घने पेड़ पौधों के बीच रात को इतना अंधेरा था कि बड़ी देर से तनावग्रस्त मेरी आंखें इतनी दूर भी नहीं देख पा रही थी। इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली और एकाग्र होकर कानों पर भरोसा करके सुनकर अंदाजा लगाने का प्रयत्न किया। मेरी राइफल की सीध बकरे की तरफ थी और राइफल पर टॉर्च लगा रखी थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों यह ख्याल आ रहा था कि जैसे आदमखोर छप्पर तक पहुंच गया है और वहां पर सोते हुए यात्रियों में से अपना शिकार चुन रहा है। अभी पेड़ के नीचे से सरसराहट हुई और बकरे की घंटी तेजी से बजने लगी। टॉर्च का बटन दबाते ही मैंने देखा कि रोशनी उस तेंदुए के कंधे पे पड़ रही है और राइफल को जरा भी हिलाए मैंने ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया टॉर्च जवाब दे गई और बिना यह जाने कि मेरी गोली का क्या हुआ मैं फिर से अंधेरे में था। उस घाटी में मेरी गोली की प्रतिध्वनि समाप्त हो रही थी कि पंडित ने दरवाजा खोला और आवाज दी कि मुझे किसी सहायता की जरूरत तो नहीं है। उस समय मैं कानों को एकाग्र किए उस तेंदुए की किसी आवाज को सुनने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पंडित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने फायर किया वह तेंदुआ सड़क के पार लेटा हुआ था और उसका सिर मुझसे दूसरी तरफ था। मुझे अस्पष्ट सा दिखाई दिया कि वह बकरे पर कूदा और नीचे पहाड़ी की तरफ चला गया। और जब पंडित ने आवाज दी थी उससे पहले मुझे लग रहा था जैसे घर घर की आवाज आ रही थी। गोली की आवाज सुनकर यात्री उठ गए थे, लेकिन कुछ देर आपस में बतियाने के बाद वे फिर से सो गए। लगता था कि बकरे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। मैंने गोली रात के करीब 10 बजे चलाई थी। अभी सुबह होने में काफी घंटे थे। तब तक मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं आराम से बैठकर कानों को चौकन्ना किए सिगरेट पीता रहा। कुछ घंटे बाद गंगा पार पहाड़ी की चोटियों पर उजाला होने लगा और धीरे धीरे सूरज पूरब की तरफ से उगने लगा। जब मैं पेड़ से नीचे उतरा तो सबसे पहले बकरे ने ही दोस्ती में मिमियाकर मेरा स्वागत किया। बकरे के दूसरी तरफ सड़क के किनारे एक लंबी और कम ऊंची चट्टान थी जिस पर खून की एक इंच मोटी लकीर थी और इतनी मोटी खून की धार जिस तेंदुए से निकली होगी वह एक या दो मिनट से ज्यादा नहीं जिंदा रहा होगा। यह सोचकर आदमखोर के खून की लकीर का पीछा करते समय आमतौर पर बरती जाने वाली सावधानियों को ताक पर रखकर मैं सड़क से नीचे कूदा और खून की लकीर का अनुसरण करते हुए चट्टान से 50 गज दूर गया जहाँ वह तेंदुआ मरा हुआ पड़ा था। उस तेंदुए का पीछे का हिस्सा जमीन में एक छेद के अंदर धंसा हुआ था जिसमें वह दुबका हुआ था और उसकी ठोड़ी छेद के मुंह पर रखी थी। उस तेंदुए को देखकर मुझे एक क्षण के लिए भी यह संदेह नहीं हुआ कि यह वो है आदमखोर नहीं है, लेकिन यह कोई पिशाच नहीं था जैसे कि लोग कहते थे। यह तो एक बूढ़ा तेंदुआ था जो अपनी तरह के और बाकी तेंदुओं से इस मायने में अलग था कि इसका मुंह थोड़ा भूरा था और इसके होठों पर मूंछ नहीं थी। इस तेंदुए का माप और निरीक्षण करने के समय मैंने पाया कि इसके पीछे के बाएं पंजे पर गोली का पुराना घाव था और उस पंजे का एक हिस्सा गायब था। सिर पर कई गहरे और आंशिक भरे हुए घाव थे। पीछे की दाई टांग पर कटे का आंशिक भरा निशान था। पीछे के बाएं पांव पर भी एक भरा हुआ निशान था। लेकिन मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि इस तेंदुए का मुंह और जीभ काले क्यों थे। एक विचार यह था कि साइनाइड के जहर के कारण उसकी जीभ और मुंह का रंग काला हो गया था, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता।
रुद्रप्रयाग के इस तेंदुए के आदमखोर बनने के पीछे तर्क ये थे कि गढ़वाल के लोग जो हिंदू हैं और मृतकों को जलाते हैं, दाह संस्कार नदी के किनारे करते थे ताकि राख नदी में बहकर समुद्र में पहुंच जाए। अधिकांश गांव पहाड़ों की चोटियों पर बसे हैं। नदियां और पोखर ज्यादातर मीलों दूर नीचे घाटियों में होते हैं, इसलिए मृतक को ले जाने के लिए वहां गांव वालों पर दबाव पड़ता ही है। साथ ही जलाने के लिए लकड़ियों को एकत्र करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सामान्य परिस्थितियों में तो दाह संस्कार सही ढंग से हो जाता था, लेकिन महामारी आदि की दशा में जब मौतें अधिक होती थी तो दाह संस्कार करना मुश्किल हो जाता था, और ऐसे समय में यह संस्कार संक्षेप में किया जाता था। ऐसे समय में गांव में ही मृतक के मुंह में एक जलता हुआ अंगारा रखा जाता था और पहाड़ी पर ले जाकर शव को नीचे घाटी में लुढ़का दिया जाता था। इस क्षेत्र में प्राकृतिक भोजन की कमी हो तो ऐसी मृत देह पाकर कोई भी तेंदुआ उसे चटकर जाता था और इस तरह उसे मानव मांस की लत लग जाती थी। 1918 में देश में इन्फ्लुएंजा की महामारी फैली और लाखों लोग उसमें मरे, तो गढ़वाल में भी कम तबाही नहीं हुई थी। महामारी समाप्त हो जाने के बाद सामान्य स्थिति बहाल हो जाने पर भी जब उस तेंदुए को कोई भोजन नहीं मिलता तो उसने मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार इस महामारी के अंत में प्रकट हुआ यह रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ। फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करना, और यूट्यूब की नई पॉलिसीज़ के कारण जो वीडियोस की रीच है वो ज़्यादा नहीं जा पा रही हैं, तो सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि टाइमली आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियोज़ का मज़ा ले सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं जल्दी किसी नई स्टोरी के साथ या किसी जंगल सफारी वीडियो के साथ।